के वृक्ष में निकली हनुमान जी की आकृति रेशिया बहराइच ग्राम पंचायत गोंडा के पास तालाब किनारे एक लगभग 200 वर्ष पुराना पीपल का वृक्ष है, जहां भक्त काफी दिनों से पूजा अर्चना करने के लिए जाते थे। एक सप्ताह पहले इस पीपल वृक्ष में एक आकृति अचानक दिखाई पड़ी जो हनुमान जी की आकृति से मैच करती है। इस बात को ग्रामीणों ने एक दूसरे से साझा किया। देखते ही देखते वहां आकृति को देखने के लिए भक्तों का तांता लगने लगा। भक्तों का कहना है कि हनुमान जी के प्रकट होने की संकेत मिल रही है। कई जिलों से भक्त आकृति की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। बताते हैं कि एक सप्ताह पहले इस पीपल वृक्ष पर मानव के मुख जैसी एक आकृति उभर आई, जिसको देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगने लगी। यहां पर भजन कीर्तन शुरू हो गया है। क्षेत्र के निवासी सतीश शुक्ला, पूरणमल गुप्ता, सुधीर कुमार शुक्ला, दिनेश कुमार शुक्ला, दीनानाथ गुप्ता, मनोज शुक्ला, बीरबल, ज्ञानचंद रक्षाराम, मंगलवार, अनुराकेश मुंशी, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ओम प्रकाश, पुजारी सीताराम, पूर्व प्रधान बाबूलाल भड़काऊ, संतोष शुक्ला, फूलमती नंदू साहू, मायावती, आरती सुंदरी देवी लीलावती सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने बताया कि दर्शन के लिए सुबह से शाम तक हजारों की संख्या में भक्त पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आप लोग भारी तादाद में यहां पूजा अर्चना के लिए आते हैं, क्या कहना चाहेंगे? भैया, कहना यही है कि ये पीपल का पेड़ जो है ये मतलब सैकड़ों साल पुराना है और पहले से ही यहाँ पर पूजन कीर्तन भजन जो कुछ होता था लोग मान्यताएं भी मानते थे, लेकिन होली के करीब 10 दिन पहले से यहाँ पर वो छोटी सी प्रतिमा मतलब रूप में उभरने लगी और बढ़ते बढ़ते वो बढ़ गई, तो उसी दिन से यहाँ पर मतलब भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग दूर दूर से देखने के लिए यहाँ पर आते हैं और भारी संख्या में लोग आते हैं। करीब करीब दिन भर में हमें अनुमान है कि 4 से 5 हजार तक पब्लिक यहाँ पर रोज आने लगी है और अपनी अपनी मान्यताएं, अपनी अपनी श्रद्धा, अपनी अपनी आस्था के हिसाब से लोग आते हैं, दर्शन करके जाते हैं और फलीभूत होते हैं। सब्सक्राइब करें जनरथ एक्सप्रेस को और पाएं अपने शहर की खबरें सबसे पहले अपने मोबाइल।